कब्ज कोई बीमारी नहीं है, यह हमारी निष्क्रिय जीवन शैली का एक नमूना है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में दीमक की तरह घुस जाती है और शरीर को जकड़ लेती है। फिर उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम आधुनिक चिकित्सक के पास जाते हैं, वह हमें तत्काल प्रभावी दवाइयां दे देता है जिन्हें खाने से तुरंत राहत तो मिल जाती है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और जटिल बनती चली जाती है। आलस्य, रात का खाना खाते ही सो जाना, पानी कम पीना, खाना खाते ही अधिक पानी पीना, व्यायाम की कमी, शारीरिक क्रियाकलापों की कमी, चिंता, अवसाद, दवाइयों का अधिक सेवन, ड्रग्स, नशीली दवाओं का सेवन, नशा, ये सब मुख्य कारण होते हैं कब्ज होने के। यह हमारे शरीर को दीमक की तरह धीरे धीरे कमजोर बना देती है, सीधे हमारी आंतों और पेट पर आघात करती है जिससे आंतें कमजोर हो जाती हैं, जो मल के निष्कासन की क्षमता को कम कर देती हैं। धीरे धीरे मल आंतों में सड़ने लगता है और टाइट होने लगता है, जिसको निकालने में आंतें असक्षम हो जाती हैं। कभी कभी तो पेट साफ नहीं होता। जब बहुत ज्यादा समस्या होती है तो हम मल निष्कासन के लिए चूर्ण और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो आंतों के साथ जबरदस्ती कर मल त्याग करवाती है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। निरंतर इन दवाइयों के सेवन से आंतें कमजोर हो जाती हैं, जो अल्सर और कैंसर का कारण बनती हैं। अधिक दिनों तक आंतों में मल सड़ने से गैस बनती है, जो हृदयघात का एक मुख्य कारण है। कब्ज के निवारण की बात करें तो चिंता, अवसाद, नशा मुक्त रहना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को अपनाना चाहिए। किसी भी तरीके के शारीरिक क्रियाकलाप का होना बहुत जरूरी होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कब्ज की समस्या एक दो महीने में नहीं बनती, इसके बनने में सालों लगते हैं, मगर सही होने में कुछ महीने। इसमें जल्दबाजी या उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। इसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति के कुछ अभ्यास अपनाने चाहिए। इससे आपकी यह समस्या जड़ से खत्म होकर शरीर को नया आयाम देगी। कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनको आप कर सकते हैं। सुबह उठते ही पेट भर गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद 1 से 3 मिनट तक ताड़ासन का अभ्यास करें। ताड़ासन में चलने की कोशिश करें। ऐसा करने से कुछ देर बाद आपको अच्छे वाला प्रेशर बन जाएगा। अगर आपको कब्ज की समस्या बहुत पुरानी है तो हो सकता है 1-2 दिन में प्रेशर ना बने, परंतु अभ्यास जारी रखें। कुछ दिन बाद प्रेशर अवश्य बनेगा। खाना खाते समय खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 घूंट पानी पीना ही ठीक रहता है। खाना खाने के आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल में पानी जरूर पीना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें। सूर्य उदय के बाद सोते रहने से पेट में एसिड बनने लगता है, जो कब्ज का मुख्य कारण होता है। सुबह किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ दूरी तक पैदल चलें। रात्रि का भोजन किसी भी हाल में सोने से 2 घंटे पहले जरूर कर लें। हो सके तो सुपाच्य और हल्का भोजन ही खाएं। योगासन में ताड़ासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, उत्तान पादासन, हलासन, अर्ध हलासन, मत्स्येंद्र का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन प्राणायाम महत्वपूर्ण होते हैं। कब्ज की समस्या का निदान करने के लिए प्राकृतिक और योगाभ्यास को जरूर अपनाएं। दवाइयों से बचें। दवाइयों के चक्कर में जितना पड़ेंगे उतना ही उलझते चले जाएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।